इसमें लड़की का मेन जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। लड़की का रोल, अगर लड़की पे कोई अटैक आता है, उस पर कोई लड़का या कोई अननोन पर्सन अटैक करता है जब वो अकेले में हो, तो उसमें वो सेल्फ डिफेंस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्टिंग द गर्ल। इसमें गर्ल अपने आप को खाली प्रोटेक्ट कर सकती है। इसमें होता था कि गर्ल्स पे रख के अपने साथ स्प्रे लेती थी, अभी ये वैसा माहौल नहीं है। अभी अभी जो लड़की है वो अपना डिफेंस और अटैक खुद कर सकती है। मैम, मेरा नाम नज़म महराज है। तो आज का जो इवेंट है कश्मीर यूथ डिपार्टमेंट की तरफ से और MTC मार्शल आर्ट टाइकोंडो क्लब की तरफ से, अकेडमी की तरफ से, ये सेल्फ डिफेंस का कैंप आज हो रहा है। तो ये हर एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसमें अपनी लड़की अपने आप को एक प्रोटेक्ट कर सकती है, जब भी उस पर कोई अटैक आ जाएगा, किसी भी टाइप का कोई भी अटैक आ जाएगा, इसमें लड़की अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट कर सकती है। हम चाहते हैं, आज जैसे हो गया, इस साल एक इधर ही इवेंट हो गया, हम चाहते हैं कि ये रोज़ ही इवेंट हो जाए। इसमें बहुत लड़कियों का बहुत फ़ायदा है। इसमें कोच भी अवेलेबल इधर पे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी की ट्रेनिंग दी है इधर हमें। तो आज जैसे एक इवेंट यहाँ पे किया है इन्होंने, डायरेक्टर ऑफ यूथ कश्मीर और MTC क्लब ने, वैसे ही चाहती हूँ वैसे हर साल इधर इवेंट हो जाए। इस इवेंट में गर्ल में इसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जिसमें गर्ल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। फिजिकली और भी बहुत फिट रहता है, आप फिजिकली भी बहुत फिट रहते हैं। जो ड्रग्स की एडिक्शन वगैरह आप बोल रहे हैं वो सब हट जाती है। इसमें मेंटली दिमाग भी फिट हो जाता है और हम फिजिकली भी फिट हो जाते हैं। इस चीज़ से बच्चे इतने इंस्पायर हो रहे हैं, मतलब ओलंपिक से भी बच्चे इतने इंस्पायर हो गए। जो भी हमने कैंप रखा है इससे भी बच्चे इंस्पायर हो गए। जो अभी गर्ल्स है जो घर में बैठी है, जो भी ये वीडियोस वगैरह देख रही है, कल को वो भी आके पार्टिसिपेट करेगी। और मैं इनको बोल रही हूँ कि अभी आओ, आप भी पार्टिसिपेट करो इस वर्कशॉप में, ये बिल्कुल फ्री में हो रहा है। मेरा नाम रहमत है और यहाँ पे कश्मीर यूथ सर्विसेज इन कोलैबोरेशन विद MTC कश्मीर मार्शल आर्ट टाइकोंडो क्लब, मुजफ्फर टाइकोंडो क्लब है, उसके कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे आज 5 डेज का सेल्फ डिफेंस कैंप हो रहा है, जिसमें ना कि सिर्फ गर्ल्स बल्कि बॉयज़ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही और बॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो बॉयज़ ड्रग्स में जाते हैं उससे अच्छा स्पोर्ट्स में आइए, इसमें आप मेंटली और फिजिकली भी फिट रहेंगे। हम लोग आज बहुत सारे सुसाइड्स के भी केस आ रहे हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में आएंगे तो आप मेंटली फिजिकली फिट भी रहेंगे और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा, डिप्रेशन भी आपका दूर हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप आइए यहाँ पे। डेढ़ साल से आप पिछली बार स्टेट गए थे, JK ओपन स्टेट खेलने गए थे हम लोग, जम्मू वो मैंने खेला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल वो सब कुछ मैंने खेला। मज़ा तो बहुत आया है और मज़े के साथ साथ आपका भी अपना बेनिफिट है। एक तो आपका टाइम भी एक इतनी अच्छी चीज़ में जा रहा है और आपका खुद का भी बेनिफिट है, आप खुद भी मेंटली और फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे बाबा हमेशा यहाँ पे मुझे लाते हैं और वो यहीं पे वेट कर रहे होते हैं टिल आई जस्ट फिनिश दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लोग फिर बाबा के साथ ही वापस जा रहे हैं। पहले का ताहिर है और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ यूथ सर्विस विद कोलैबोरेशन ऑफ MTC आज यहाँ पे 5 दिनों का कैंपिंग है सेल्फ डिफेंस का। तो ये गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। कितने टाइम से? 1 साल से। मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है, स्टेट खेला है जम्मू में, ज़्यादा अच्छा। और ये गर्ल्स मतलब जो ड्रग्स में है उनको मैं यही बोलना चाहती हूँ कि उनको मैं यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स में आइए बहुत ज़्यादा, एंड मुझे फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। पढ़ाई के ऊपर असर तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, मुझे पढ़ाई के ऊपर असर नहीं पड़ता है। मैं जब यहाँ पर आती हूँ तब मैं यहाँ पर भी ध्यान देती हूँ, मुझे इससे फिजिकल फिटनेस भी होती है। फिर मुझे घर में मैं पढ़ाई करती हूँ, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस मतलब मुझे मैं फिट रहती हूँ। मेरा नाम आयमन फारूक है, मैं GHSS नवाकदल से हूँ। आज यहाँ पे मैं पहले दिन आई हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। आज पहला ही दिन था मेरा यहाँ पे और हमने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे, और हमें अलग अलग दिखा भी रहे हैं कैसे आप डिफेंस कर सकते हो, किस मुँह पर आपको क्या करना है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग हो रही है। हम नवाकदल हायर सेकेंडरी से, आज हमें फर्स्ट टाइम यहाँ टाइकोंडो सीखने आए हैं। सेल्फ डिफेंस के बारे में वो लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू। और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी रहने वाली में पढ़ती हूँ और वी आर वेरी ग्रेटफुल कि यूथ सर्विस डिपार्टमेंट ने हमें ये मौका दिया है कि हम कुछ सीखें, हम कुछ करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि लड़की के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कुछ लड़कियों को मतलब घर से बाहर नहीं जाने देते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल की तरफ से, यूथ सर्विस की तरफ से। थैंक यू।